Namaskar, Sastraikal Adab. Welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. Those who don't know me, this is me, Alice Raj. प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाने चाहिए के साथ साथ प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, स्पेशली इन फ्रूट्स एंड इन वेजिटेबल्स, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. दिस इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो विच आई पोस्टेड लास्ट ट्यूसडे. तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टिल द एंड. What are the things we should not eat in pregnancy? उसके अंदर हम सबको पता है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए. But why? Because it just did not affect brain development. उसके साथ साथ वो heart और nervous system का भी development बच्चे के अंदर होने से रोकता है, इसी वजह से. उसके साथ साथ हमारे को शुगर भी नहीं लेना चाहिए. तो white sugar, जब मैं sugar की बात कर रही हूँ तब mainly basically I'm talking about white sugar. उसकी जगह पे आप replace करके आप मिश्री भी ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बट आप मिश्री ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, और इन दोनों को आप मिला के जो है वो आप ले सकते हैं. आप स्वीटन फ्रूट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैंगो बताया, पपाया बताया, बनाना बताया. तो आप स्वीट का जो क्रेविंग है वो यहाँ पे आप पूरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाइट शुगर. ब्राउन शुगर अच्छी होती है बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि आप उससे जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द 4 months. उसके बाद बात आती है जंक फूड या ऑयली फूड की. तो ऑब्वियस ही बात है, जंक फूड ऑयली फूड हमारे को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे को जो है हमारे अंदर ओबेसिटी बढ़ाएगा, फ़ैट डिपोजिशन बढ़ाएगा, जो कि फर्दर हमारे को सोने में डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, क्योंकि फ़ैट बढ़ेगा तो हमें चलने के लिए दिक्कत होगी, हम भारी भरकम फील करेंगे. हमारे बेबी के लिए तो कुछ न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा, बट हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. कॉन्स्टिपेशन का ये कारण बन सकता है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा जलन का कारण बन सकता है, नोजिया का कारण बन सकता है, वॉमिटिंग का कारण बन सकता है. इसी वजह से जंक फूड जो है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मना किया जाता है. नॉन वेज में अब बात करते हैं एग्स की. तो एग्स को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारा मिथ है कि एग जो है वो गर्म है और उसको हम कंज्यूम करेंगे तो फर्दर ये हमारे को ब्लीडिंग और मिसकैरेज का चांसेस हो सकते हैं. बट एक्चुअली में वो ये मिस आउट कर रहे हैं कि एग्स के अंदर विटामिन होते हैं, प्रोटीन तो है ही है, साथ में कैल्शियम है, जो कि ना कि सिर्फ मदर के लिए बट बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एग जो है वो बेसिकली या इट इज़ हेवियर प्रोडक्ट. तो आप इसे एक काम करिए, आप इसे सुबह के टाइम पे लीजिए रादर देन टेकिंग इट इन द इवनिंग और इन द नाइट टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि ये जो है ये हैवीनेस के कारण आपको सोने नहीं देगा और डिस्कम्फर्ट फीलिंग आपके अंदर पैदा करेगा एट द नाइट टाइम, विच इज़ द लीस्ट थिंग यू वांट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब नेक्स्ट आता है अनपास्चराइज मिल्क या फिर उसके प्रोडक्ट्स. तो अगर कोई भी अनपास्चराइज मिल्क आप अगर लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरियाज और वायरसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो स्टेरलाइज नहीं हुआ है, वो किसी प्रोसीजर के अंदर नहीं गया है, वो डायरेक्टली जो है आपको दे दिया गया है. और इसकी वजह से आपने जो है उसको अच्छी तरीके से या तो उबाला नहीं है या आप उसे रॉ ही ले रहे हैं, जैसे कई लोग लेते हैं. तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट एंड ट्राई टू टेक द पास्चराइज मिल्क. और अगर नहीं आपको आदत है कि जी यू नो डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम द काओ और फ्रॉम द बफेलो, अगर आपको ऐसा है आपकी फैमिली में आप ऐसे ही लेते आए हैं, इट्स ओके फाइन. आप उसे अच्छी तरीके से बॉईल कीजिए, और बॉईल करने के बाद यू मेक श्योर कि आप उसे जो है वो ज़्यादा देर बाहर ना रखें, यू मेक श्योर कि आप उसे खुला ना रखें, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस बैठने के रहने के चांसेस जो है वो कम हो जाएँ. आप उसे रोज़ का रोज़ यूज़ करें, ट्राई नॉट टू कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे एंड यूज़ इट फॉर लाइक for the next day and the next day for 2 days continuously. Try not to do that thing. और जब भी उबालें तो एक नए बर्तन में उबालें, और make sure कि वो बर्तन अच्छे से धुला हुआ हो और नया हो. ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो there should be no problem at all. नॉन वेज में बात आती है अब अनप्रोसेस मीट की या स्मोक मीट की या कर्ड मीट की, आई शुड से. ये सारे के सारे अगर आप लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये सारे जो हैं वो अंडर कुक्ड हैं, और क्योंकि ये अंडर कुक्ड हैं तो इसमें टॉक्सोप्लास्मोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसके अंदर वायरसेस बैक्टीरियाज लाइक साल्मोनेला, ई कोलाई जो है वो नहीं मरेंगे क्योंकि अंडर कुक्ड है, इनको अच्छी तरीके से पकाया नहीं गया है. अब क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पकाया नहीं गया है, दे कैन बी चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, मतलब समय से पहले प्रसव। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से कुक होना चाहिए। इससे कम मात्रा में जो है वो वसा पाया जाता है, इसी वजह से बहुत अच्छा होता है मदर्स के लिए, क्योंकि ये फैट डिपोजिशन भी नहीं करता, साथ में मदर्स को जो है ये डिस्कम्फर्ट फीलिंग या वॉमिटिंग भी नहीं पैदा करता है, और साथ ही मदर्स को आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स जैसी कई सारी चीज़ें देता है। उनकी मॉर्निंग क्रेविंग्स को बहुत ज़्यादा कम करता है। जिन मदर्स को सुबह उठते के साथ ही लगता है कि उनको कुछ खाना चाहिए, तो चिकन इज़ वेरी गुड फॉर दैट। नेक्स्ट इज़ सी फूड। तो सी फूड में सबसे पहले क्या है, शेलफिश हो गया, रॉ फिश हो गया, या केकड़ा या क्रैब। इन में से कुछ भी अगर आप लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इनके अंदर साल्मोनेला के साथ साथ विब्रियो, वनलीफिकस नाम का जो है वो बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली हानिकारक होते हैं मदर की हेल्थ के लिए। ये बहुत गुड सोर्स होते हैं, आई एग्री, कैल्शियम के, बट ये साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मदर के अंदर बढ़ा देते हैं, बिकॉज ऑफ विच रीज़न दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फूड प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, और डॉक्टर्स इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर वंस एंड देन ईट, क्योंकि फिशेस को जो है, फिशेस के अंदर मरकरी भी पाया जाता है, और पारा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, शिशु के बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो ब्रेन को जो है वो डिफेक्ट कर देता है ब्रेन के अंदर, और नर्वस सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स पैदा कर देता है मरकरी। इसी वजह से आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो है वो फिशेस खाइएगा कि किस किस फिशेस में जो है वो मरकरी नहीं है, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो। नॉन वेज के अंदर नेक्स्ट आता है लिवर। तो लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, बट ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा सोर्स भी है विटामिन ए, रेटिनॉल का, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बेबी के लिए, जो ज़्यादा पसंद करते हैं और खाना चाहते हैं। तो मेक श्योर यू आर ईटिंग ओनली वंस इन 2 वीक्स, और वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, एंड घर में बना हुआ, क्योंकि आपको ये श्योरिटी होगी कि अच्छी तरीके से पका हुआ है, और आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये जो है ये हाइजीनिक है कि नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और घर का बना हुआ खाइए, बाहर से बिल्कुल भी लेके आके मत खाइएगा। The last one in this category is sesame seeds with honey, मतलब तिल with honey। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप इसे जो है वो डिलीवरी के बाद ले रहे हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ गर्माहट पैदा करेगा, बल्कि एक्सपेल्शन में भी जो भी अंदर के ब्लड क्लॉट्स रह जाते हैं उनको निकालने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ये अगर प्रेगनेंसी के बाद ब्लड क्लॉट्स निकालने में मदद करता है, तो अगर आप इस प्रेगनेंसी से पहले लेंगे तो ये मिसकैरेज में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम के और कुछ क्रिएट करने वाला नहीं है, स्पेशली इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट 4 मंथ्स से इसे लेना ही नहीं है, क्योंकि तिल भी गर्म होता है, हनी भी गर्म होता है, ये यूट्राइन मसल्स को बहुत बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आपको पेन के अलावा मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप इसे 4 मंथ्स के बाद लेना चाहते हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन हैव इट। मैंने बहुत बात कर लिया कि क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। नाउ आई जस्ट वांट टू क्विकली टेक यू थ्रू द थिंग्स और द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स जो प्रेगनेंसी के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कीवी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। इसके अंदर फोलेट जो है वो अबंडेंस में मिलता है। मैग्नीशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ये सबके साथ साथ एसिडिटी हटाना, मॉर्निंग सिकनेस हटाना। गुआवा हैज़ विटामिन सी एंड हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। Vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin C and potassium. All this banana has. Orange में fiber, mineral, vitamin C and folate होता है. Mango is rich in nutrients and minerals but should be taken in moderate amount. Pomegranate HB को बहुत बढ़ाता है but seeds नहीं लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट जो है वो बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लेना चाहिए हर रोज़। आलमंड्स में जो है ये रात को भिगो के रख दें और सुबह लें, तो ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है। रेजिन्स भी हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते और एचपी लेवल को हमारे बना के रखते हैं। कर्ड में कैल्शियम है और ये डाइजेशन में मदद करता है, पर मेनली मॉर्निंग में लेना है, आफ्टरनून में, इवनिंग, नाइट में नहीं। पालक is rich in iron, increases blood circulation and cleanses our blood. Green leafy vegetable is rich in folic acid, brain and nervous tissue development के लिए और prevents करता है any kind of birth defect also. दाल, बीन्स एंड होल ग्रेन्स में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। I hope you like this video. अगर कोरोना प्रिवेंशन पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो do let me know.